हेलो दोस्तों दोस्तों अभी हमारे पास में देखिए ग्लैमर बाइक आया हुआ है और इसमें अजीब तरह का प्रॉब्लम हुआ है। शायद इस तरह का प्रॉब्लम आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए हम इसमें प्रॉब्लम पहले आपको दिखाते हैं। सेल्फ प्रेस करेंगे तो इसमें साउंड सुनेगा। देखिए देखिए इसका सेल्फ तो रन कर रहा है, इसका सेल्फ घूम रहा है, मगर क्या हो रहा है कि हमको लग रहा है कि इसका जो इसका लग रहा है कि इंजन सीज हो गया। देखिए जब हम किक प्रेस करेंगे, एक बार किक प्रेस करके दिखा रहे हैं, मगर इसका इंजन भी सीज नहीं है क्योंकि इसमें मोबिल ऑयल है, हमने चेक किया है। अब इसका हम किक देखिए, किक प्रेस करने के बाद में किस तरह का साउंड आ रहा है। साउंड को पहले आप ध्यान से देखिए। देखिए देखिए दोस्तों, एक किक जब प्रेस कर रहे हैं तो इसमें क्रैंक जो है, क्रैंक हमारा घूम रहा है, अच्छी तरह से घूम रहा है। तो चलिए अब उस साइड में हम क्या करेंगे, इसका टाइमिंग कवर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो उधर से टाइमिंग कवर ओपन करके और दिखाते हैं कि बाइक में प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका हम टाइमिंग कवर को ओपन करते हैं। टाइमिंग कवर ओपन करने के बाद में देखिए इसका जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन हमारा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इसको हम खोल करके चेक किए हैं। देखिए ये हमारा ऐसे घूम रहा है, देखिए स्लिप भी कर रहा है अच्छी तरह से, एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए इसका ऐसे स्लिप कर रहा है, यहाँ से स्लिप कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम मैग्नेट कवर को निकाल करके देखते हैं घुमा करके कि हो सकता है क्रैंक हमारा जाम हो, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हम मैग्नेट कवर ओपन कर दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घुमा करके देखते हैं कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखिए इसको घुमाने पर यहाँ से घूम रहा है, और घूमने के बाद में अच्छी तरह से आपको दिखा दें, वहाँ से तो हमारा घूम रहा है, घूमने के बाद में यहाँ से देखिए एक बार घुमा रहे हैं तो यहाँ से स्लिप कर जा रहा है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो चेन है, टाइमिंग चेन हमारा इसमें घूम नहीं रहा है, स्लिप कर जा रहा है। एक बार और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से घुमा रहे हैं तो मैग्नेट हमारा घूम रहा है, ध्यान से देखिए मैग्नेट घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, और यहाँ से हमारा जो टाइमिंग चेन वाला जो अंदर लगा हुआ है वो घूम जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम मैग्नेट कवर को बाहर निकाल करके देखते हैं, और हो सकता है जो केम शाफ्ट अंदर रहता है, केम शाफ्ट का जो वायरिंग है वो लग रहा है कि टूट गया है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेट को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद में देखेंगे हो सकता है अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, और उसके बाद में यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम केम वायरिंग को बाहर निकाल करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मैग्नेट खोले हैं, इसको मैग्नेट को पहले बाहर निकालते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैग्नेट के नट को तो हम बाहर निकाल दिए हैं। अब हमारे पास में जो हमारा ग्लैमर बाइक है, इसका मैग्नेट पुलर नहीं है, ये हमारे पास में जो सुपर स्प्लेंडर का पुलर है, इसमें हमारा इससे नहीं खुलने वाला है क्योंकि इसमें फंसी नहीं रहा है, और हमारे पास में पुलर नहीं है। तब क्या करेंगे, इसको देसी तरीके से पहले आपको एक बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में पुलर नहीं है और ऐसा बाइक आ गया है तो उसको किस तरह से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वाशर को पहले लगा देंगे, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद में इसको फुली टाइट नहीं करना है, इसको कितना पे टाइट करना है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। टाइट करके इतना पे रखेंगे ताकि अगर इस पर हम चोट मारे, चोट मारने के बाद में जो इसका घाट है इस पर दाग नहीं आए। तो इसको हल्का सा लूज रखें, पूरा फुल टाइट नहीं करना है, हल्का सा दो चूरी इसको लूज रखना है। लूज रखने के बाद में आपको क्या करना है, एक टाइलीवर ले लीजिएगा, टाइलीवर की मदद से ऐसे यहाँ पर फंसा करके और ऐसे ऐसे रखिएगा, ऐसे रखने के बाद में और क्या कीजिएगा, हथौड़े की चोट से अगर इस पर मारिएगा, हल्का सा ऐसे हथौड़े लेकर के और हल्का सा मारिएगा, तो देखिए निकल गया हमारा। ज़्यादा इसमें आपको जोर नहीं देना है, बस थोड़ा सा चोट मारिएगा तो निकल जाएगा। और ज़्यादा इसमें आपको, अब मान लीजिए और ये पूलर खरीदने जाइएगा तो 300-400 रुपये का पूलर मिलेगा, और हर एक बाइक का अलग अलग पूलर है। अब इसको सिर्फ नट को निकाल दिया, निकालने के बाद में अब जो हमारा मैग्नेट है बाहर निकल जाएगा। देखिए आसान तरीके से बाहर निकल गया, और उसके बाद में देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे था। तो हम इसको मैग्नेट कवर को बाहर निकालें, उसके बाद में जब मैग्नेट खोल करके बाहर निकालें, निकालने के बाद में ध्यान से जब इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए टाइमिंग चेन तो हमारा यहाँ पर लगा है, टाइमिंग चेन यहाँ पर लगा है देखिए, मगर टाइमिंग चेन इस पर से जो इसका घाट रहता है, दांत रहता है, इस पर से निकल गया है, बाहर उतर गया है। उतरने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, किक तो हम मार रहे हैं, किक मारने के बाद में घूम रहा है मगर यहाँ से नहीं घूम रहा है। अगर यहाँ पर जो दांत है, मैग्नेट में जो दांत रहता है, यहाँ पर जो दांत रहता है, यहाँ से उतर गया है, अच्छी तरह से आपको दिखा रहे हैं पहले। देखिए टाइमिंग चेन हमारा यहाँ से उतर गया है, और क्या करेंगे, अगर टाइमिंग चेन यहाँ से चढ़ा दे रहे हैं, फिट कर दे रहे हैं, उसके बाद में बाइक हमारा स्टार्ट नहीं होगा, 100% स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा, तो चलिए एक बार आपको पहले इसको इस पर अच्छी तरह से फिट कर देते हैं, फिट करके स्टार्ट करके दिखाते हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। हमको 100% आशा है कि बाइक स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टाइमिंग चेन जब उतरा है, उतरने के बाद में क्या होता है, इसमें जो टाइमिंग है आउट हो जाता है, आउट होने के बाद में भेल हमारा क्या होगा, पिस्टन पर जाकर के टच करेगा तो भेल टेढ़ा हो जाएगा, भेल लीक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हो सकता है कि इसका भी उस तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, मगर अभी कम से कम इसको हम चेक कर लेंगे, कि चेक करेंगे कि बाइक में हो सकता है कि हमारा टाइमिंग भेल नहीं मारा हो, टाइमिंग सही हो, भेल नहीं मारा हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ओपन करके पहले यहाँ से फिट कर लेंगे, फिट करने के बाद में तब देखेंगे बाइक में कंप्रेसर बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
तो देखिए दोस्तों, अब जो यहाँ से हमारा टाइमिंग चेन उतर गया था, इसको फिट कर दिए हैं। फिट करने के बाद में यहाँ से अब किस तरह से फिट करेंगे, अब इसका टाइमिंग आउट हो चुका है, तो टाइमिंग किस तरह से सेट करेंगे। देखिए इसका टाइमिंग हमारा यहाँ पर रहता है और ये हमारा टाइमिंग है, तो टाइमिंग किस तरह से सेट करेंगे। ये जो टाइमिंग है यहाँ पर हम इसको घुमाएँगे, ये जो हमारा लॉक है ये सामने रहता है, यहाँ पर सामने रहता है, और जो दूसरा यहाँ पर दाग दिया है ये हमारा यहाँ पर दाग दिया है। देखिए ये जो दाग है यहाँ सामने रहता है, यहाँ पर सामने रहना चाहिए दागों को, और ये जो है ये इसको भी यहाँ पे हमारा सामने रहना चाहिए। यहाँ पर भी दाग दिया है, अगर अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा दाग दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, इधर से घुमा करके पहले इसको सामने लाते हैं, और लाने के बाद में ये जो दाग है इसको भी इसके सामने लाते हैं, और लाने के बाद में फिर उधर से हम एक बार आपको प्लग ओपन करके और दिखाएंगे कि पिस्टन ऊपर आया है कि नहीं आया। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, टाइमिंग को हम सेट करते हैं। टाइमिंग सेट कर दिए हैं, एक बार आपको टाइमिंग को पहले दिखा दें, टाइमिंग किस तरह से सेट किए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कट है, यहाँ पर हम इसको सामने रखे हैं, ये कट को यहाँ पर सामने रखे हैं, और यहाँ पर जो दूसरा टाइमिंग है हमारा, यहाँ पर दाग आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसको इसके सामने रखना है। तो हमारा टाइमिंग परफेक्ट हो गया। कभी भी अगर टाइमिंग अगर आप आउट हो रहा है तो सबसे पहले इसको आपको सामने रखना है, ये अगर सामने रहेगा तो पिस्टन टॉप पे रहेगा, और उसके बाद में इधर से अगर आपको टाइमिंग सेट करना है तो यहाँ पे दाग दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये दाग और ये दोनों सामने रहेगा, तो टाइमिंग आपका परफेक्ट है। और क्या करेंगे, इसको हम फिट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कंप्रेसर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर कंप्रेसर बनाएगा तब क्या करेंगे, इसका टाइमिंग चेन हम चेंज कर देंगे। अगर कंप्रेसर नहीं बनाएगा तो इसका भेल का भी काम करना है, और उसके बाद में टाइमिंग चेन तो हमारा लूज ही हो गया है, टाइमिंग चेन को चेंज करना है। मगर इसको चेक करने के लिए सिर्फ इसको फिट किए हैं कि हमारा हो सकता है कि भेल मारा होगा, तो एक ही बार में इसी टाइमिंग चेन से चेंज हो जाएगा। अगर नहीं तो इसमें नया टाइमिंग चेन लगा देंगे और भेल टेढ़ा हो गया होगा तो फिर से डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पुराना टाइमिंग चेन जो है इसी को हम सेट करके और चेक करेंगे कि भेल जो हमारा है वो सही है या ख़राब हो चुका है। तो टाइमिंग हम सेट कर दिए हैं, अब एक बार आपको लाइव प्रूफ दिखा देंगे, जो इसका पिस्टन है टॉप पर है कि नहीं है तो उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए चलिए आपको उधर के साइड में लेकर चलते हैं, और जो पिस्टन है हमारा टॉप पर है कि नहीं है उसको चेक कराएंगे। चेक कराने के लिए प्लग को आपको ओपन कर लेना है, होल है जिसमें प्लग कसते हैं, इसमें हम पेचकस लगाएंगे, यहाँ पर पेचकस लगा करके और देखेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम पेचकस ऐसे लगा रहे हैं तो हमारा टच हो रहा है पिस्टन में, देखिए ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो हमारा जो पिस्टन है ऊपर आ चुका है, तो टॉप पर है, और उधर भी हमारा टाइमिंग परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर चेक करने के लिए यहाँ से जब किक प्रेस करेंगे, किक प्रेस करने के बाद में जो प्लग का होल है यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखा दे, प्लग का होल है, इसको बंद करके रखेंगे उंगली से। बंद करके रखने के बाद में अगर इसमें से एयर बाहर निकल जा रहा है, यहाँ से बंद करके रखें जोर से और किक प्रेस करेंगे और एयर बाहर निकल जा रहा है, तो कंप्रेसर हमारा सही है, भेल सही है। अगर एयर बाहर नहीं निकलेगा तब समझ जाएंगे कि इसका कंप्रेसर डाउन है, इसका भेल का काम करना पड़ेगा। तो पहले चाबी को ऑफ कर लेते हैं, ऐसे चाबी ऑफ कर लिए हैं, ऑफ करने के बाद में टाइमिंग भी सेट कर लिए हम। चलिए किक मार करके देखते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, किक हम प्रेस कर रहे हैं मगर इसका जिस जैसा कंप्रेसर बनाना चाहिए उस तरह का कंप्रेसर नहीं बना रहा। देखिए थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल करके भी देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारा ऑयल के चलते भी हो सकता है, थोड़ा सा ऑयल डाल करके देखते हैं, अगर कंप्रेसर बनाता है तो सही है, नहीं तो इसको हम हेड को ओपन करके बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ऑयल डाल करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑयल डाल दिए हैं, अब किक प्रेस करके देखते हैं। देखिए अब तो हमारा जो कंप्रेसर है वो सही है, कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ही सही हो गया है, कंप्रेसर बना रहा है, हमारा भेल टेढ़ा नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका प्लग को तो लगा देंगे, लगाने के बाद में इधर से जो हम ओपन किए हैं इसको फुली टाइट नहीं किए हैं, सिर्फ चेक करने के लिए किए हैं, और टाइमिंग चेंज चेंज करना होगा तो टाइमिंग चेंज चेंज कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, टाइमिंग चेंज इसमें हम नया लगाएंगे, टाइमिंग चेंज लगाने का वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसमें टाइमिंग चेंज नया लगा करके और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों बाइक का सारा चीज़ हम फिट कर दिए हैं, अब देखते हैं बाइक स्टार्ट करके जो जैसे पहले प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम किक प्रेस करके देखते हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। देखा दोस्तों जब किक प्रेस किए तो बाइक हमारा स्टार्ट हो गया, इसका बैटरी डेड है, थोड़ा देर चलेगा तो इसका बैटरी चार्ज हो जाएगा। अभी देखिए इसका साउंड भी सही हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।